साथी कहूं तोरी दर्शन से हमरे और मनवा में आ गई बहार प्रभु जी। मनवा में आ गई बहार प्रभु जी। तुम सारा ज्ञानी तुम सारा दानी तुम सारा ज्ञानी तुम सारा दानी ईम रीम मनवा में अभी बोला नहीं महाराज जी। मनवा में आ गई बहार प्रभु जी। मनवा में आ गई बहार प्रभु जी। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शीर स्वभाव नसाया है। मन मत बाणों से विद करके तहुगत दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को से देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्वान श्री भीष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ह्रीम ह्रीम श्री देव चाय गुरु भी विद्यमान बीती थे कृपियो अनंत अन सिद्धि परमिष्टि भी नमः। काम बाण विनाशिनाय पुष्पम निरिपामिते। सठ रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी सौंध हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन एकता समन हुई। सर्वथा भूख के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री देश तीर्थंकर ओ सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। प्रेम श्री देव शाय गुरु भी विद्यमान भी तिथि कृपियो अनंत अन सिद्धि परमिष्टि भी नमः। सीधा और एक विनाशिनाई चिरा ऋग विनाशिनाय नैवेद्यम्। चिरा ऋग विनाशिनाय नैवेद्यम् निरिपामिते। जड़ दीप बिन स्वर को अब तक समझाता मैंने उजिया। इस गुण दर्शायक ज्ञान दीप मिटावो होगा अंधियारा। दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को जाओ। विद्यमान श्री भीष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ह्रीम ह्रीम श्री देव शाय गुरु भी विद्यमान भी तिथि कृपियो अनंत अन सिद्धि परमिष्टि भी नमः। महामोहांधकार विनाशिनाय दीपम निरिपामिते। गुरुवर का दर्शन हो गया और क्या चाहिए क्या चाहिए। गुरुवर का दर्शन हो गया और क्या चाहिए क्या चाहिए। हम गुरु चरणों में आए तुष्टि सागर जी दया सागर जी आए और ज्ञान की गंगा लाए। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। जरा दोनों हाथ खोल के मन गुरु चरणों में खो गया और क्या चाहिए क्या चाहिए। मन गुरु चरणों में खो गया और क्या चाहिए क्या चाहिए। ये धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाए। इसमें निज की शक्ति द्वारा जो राग देश नाएगी। शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री भीष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ह्रीम ह्रीम श्री देव शाय गुरु भी विद्यमान भी तिथि कृपियो अनंत अन सिद्धि परमिति भी नमः। हम सबके आइटिकर विनाशिनाय धूपम धूपम निरिपामिते। ओ जब से दरबार तेरे प्रभु आ गए। ही जब से दरबार तेरे प्रभु आ गए और क्या से क्या हो गए। बोलो क्या से क्या हो गए। क्या हो गया। अरे जब से दरबार तेरे प्रभु आ गए क्या से क्या हो गए। देखते 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 देखो कितना सुंदर मंदिर बन गया। गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिला। भैया जी भी आए बहुत सुंदर।
तो क्या कह रहे हैं कि जब से दरबार तेरे प्रभु आ गए, जब से दरबार तेरे प्रभु आ गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, गम के बादल जो मंडरा रहे थे सभी, गम के बादल जो मंडरा रहे थे सभी, छट गए वो सभी देखते देखते, गए वो देखते देखते, खुद से दरबार तेरे प्रभु आ गए। श्री फलवं चरणन तुम ढिगले आया, आतम रस भी ने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया, अब मोक्ष महाफल माने को श्री देव सात गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री देश तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम श्री देव साय गुरु भी विद्यमान बीति थिंक क्री भीम अनंत सिद्धि परमिटी भी नमः। महा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरपामेते, ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत तो दुनिया क्या जाने, गुरु गुरु संग प्रीत तो दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने, मेरी लगी मेरी लगी गुरु संग प्रीत तो दुनिया क्या जाने, लगी गुरु संग प्रीत तो दुनिया क्या जाने, असम वसुधा पानी को घर में आटो द्रव्य लिए, अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव दास गुरु दो दया, विद्यमान श्री देश तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ॐ ह्रीं श्री देव साय गुरुवे विद्यमान बीति थिंक क्रिभ्यो अनंत सिद्धि परमिति भी नमः। जलादि अनर्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरपामेति, जय 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 मां। जिनका एक पैर वो एक पैर से खड़े हो जाए, और जिनके दोनों पैर हैं वो दोनों पैरों से खड़े हो जाए, और जिनने अपने पैर डॉक्टरों के पास कलाई पर रख दिए हो तो उनको भी हम और आप अगल बगल में सपोर्ट देकर खड़ा कर लें। देखिए होता ऐसा है कि कभी कभी किसी के तीव्र तीव्र तीव्रतम पाप कर्मिका होते हैं, जिसका तीव्र तीव्र तीव्रतम पाप कर्म का उदय होता है उसी कहीं ना कहीं से, चाहे वो भगवान की मूर्ति ही हाथ में क्यों ना लिए हो, उसकी पाप कर्म का उदय तो आएगा। लेकिन 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 अगर धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा सच्ची आस्था है तो वे महान से महान पाप कर्म भी हल्की से हल्का होकर निकल जाया करता है, ऐसा हमें आगम से उल्लेख प्राप्त है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, कौन मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे लिए ना जाने किस कौन कौन से भवांतरों मैंने कौन कौन से पाप किए होंगे, ऐसी पाप के फल स्वरूप मेरे को ऐसा भी मालूम है जब तक मैंने घर नहीं छोड़ा था तब तक ये बूढ़े मिल गए तो ऐसा कर दिया, ये लेडीज मिल गई तो कहीं भी घुस कर दिया, कोई बच्ची मिल गई तो तंगड़ी मार दी, शैतान में एक नंबर की शैतान थी। घर से दुकान तक जाने में और दुकान से घर तक जाने में मुश्किल से
तो एक फलंग का भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन उतने में भी कम से कम 20-30 शिकायतें संरक्षक के पास, पिताजी के पास पहुंच जाया करती थी। इसके बाद भी मैं मानता नहीं था, लेकिन मेरा किसी को सताने का भाव नहीं, लेकिन मजाक करने का भाव था। मैं सबके साथ, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, सबके साथ बदमाशी करता था। अब मेरे को मालूम होता है कि वो बदमाशी भी करना पाप है। क्या है? वो बदमाशी करना भी, हंसी मजाक करना भी पाप है। उस समय मैंने पाप बंद किया था और आज मुनि बन गया, त्यागी वृत्ति बना। जैसे मैंने छुल्लक दीक्षा ली और छुल्लक दीक्षा लेने के बाद 10 दिन तक लगातार, 10 दिन तक लगातार आहार चर्या को जाते हैं। कभी रास्ते में कोई छू लेता है, कभी रास्ते में कोई फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, वो फुटबॉल आकर मेरे को लग जाती है। कभी चौके में पहुंचती ही कोई ऐसा दृश्य आ गया जिससे वहां अंतराय। कभी कभी चौके में पहुंचे, पानी एक अंजली दिया, दो मक्खी लड़ती हुई आ गई और पानी गरम गरम अंतराय। ऐसा करके 10 दिन तक लगातार अंतराय आया। मेरे शरीर का हाल बेहाल हो गया, मेरे शरीर का हाल बेहाल, क्योंकि शुरू शुरू की बात है। इससे पहले तो निरंतर आहार खाना पीना कर रही थी, एक बार नहीं दो बार करती थी। छुल्लक बन गई, एक बार लेना, उसमें भी अंतराय लगातार, एक दिन नहीं 10 दिन। लेकिन मैंने अपनी हिम्मतें नहीं हारी। उसके उपरांत मुनि बने। इस पैर की मेरी हड्डी टूटी है, घुटने की पूरी हड्डी टूटी है, लेकिन किसी को ये महसूस नहीं होता चलने में कि मेरी हड्डी टूटी हुई है। ये पुण्य का उदय है, पाप का उदय आया, हड्डी टूट गई। पुण्य का उदय, हाँ मुनि अवस्था में कह रहा हूँ। इसकी उपरांत 160 डिग्री बुखार है, जिस बुखार में मेरे को मेरा होश नहीं है, क्या अकबक बक रहा हूँ, उसको भी मैंने पार किया, सहन किया, वह अवस्था भी निकल गई। इसकी उपरांत मेरे को डायरिया हुआ। मुनि अवस्था में विचार कीजिएगा, अगर आपको थोड़ी सी सर्दी होती है, थोड़ी सी खांसी होती है, एक उल्टी भी होती तो आप डॉक्टरों के चक्कर में लग जाते हैं। यहाँ मेरे को सुबह 5:30 बजे दस्त लगना शुरू हुआ और 8:30 बजे से दस्त भी और उल्टी भी शुरू हो गई। धीरे धीरे अवस्था मेरी 5:30 बजे तक चली। निरंतर में पड़ा हूँ, आगे से मुख से पिचकारी, पीछे से पिचकारी, मैंने दस्त भी हो रहा, उल्टी भी हो रही, उठने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों ने ग्लूकोज चढ़ाने की कोशिश, इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन जब तक मेरी जान में जान रहा तब मैंने इंजेक्शन या ग्लूकोज स्वीकार नहीं किया। इसके उपरांत मेरे को 5:30 बजे महसूस होता कि बस आपका जीवन समाप्त होने वाला है। मैंने संपूर्ण जीवों को क्षमा किया और संपूर्ण जीवों से क्षमा याचना की, हाथ जोड़े, हाथ कब मेरे नीचे आ गए मेरे को पता नहीं है, यानी कि मेरा मृत्यु हो गया। उसके उपरांत 3-4 डॉक्टरों ने देखा, सर्टिफिकेट तत्काल तैयार कर दिया, 150 सर्टिफिकेट मेरे पास रखा हुआ आज भी। 3 डॉक्टरों का साइन है, 150 सर्टिफिकेट है,
मेरा मेरे पास है, लेकिन प्रभु की भक्ति का प्रभाव, गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रभाव, उसमें गुरु मौजूद थे और मेरे को ले जाने की पूरी तैयारी, विमान बन के तैयार हो गया, नारियल कपूर आदि सारे सब कुछ आ गए, लेकिन ऐसी बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहते, रात हो गई है, रात को तो मत करो, दिन में कर लेना, साधु की बात है, कहीं निश्चित समाज मान गई। अंत में 3 बजे हो जाता है, सभी घबरा जाते कि शरीर में भूत आ गया, मैंने आंखों से देखा, उसके उपरांत फिर मैं बेहोश हो गया। फिर 4 बजे मेरे को पूर्ण होश वापिस आया और उसी अवस्था में, बीमारी में भी रहते हुए, पड़े हुए रहते हुए भी, ऋषि मंडल महामंडल 10 दिन का 9 दिन का विधान कराया और 11 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मैं बीमार हुआ था और 11 अप्रैल को मैंने केशोन्च भी किया। विचार कीजिए, किसी को डायरिया हो जाए और बिगर दवाई के, बिगर इंजेक्शन के, जिसे 150 सर्टिफिकेट मिल चुका, जैसे कभी कभी होता कि अस्पताल में डॉक्टर बोल देती ना, इसका घंटा आधा घंटे का समय है, तो ऐसी अवस्था हमारी, एक बार नहीं कई बार मेरा अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज 750 हो चुकी, 225 बीपी हो चुका, 3 बार हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका और उसके उपरांत किडनी भी डैमेज है, लीवर भी गया, लेकिन इसके उपरांत भी प्यारे बंधुओं, आप लोगों को डायबिटीज होती है तो क्या कहते हो भैया, हर घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने चाहिए, अगर रात्रि के भोजन का भी त्याग कर चुके हो तो रात्रि के भोजन का भी त्याग को भंग कर देते हो और रात्रि में भी खाना शुरू कर देते हो। कल आपके यहाँ कितनी देर तक विधान चला? 2 बजे तक। मैंने आहार कब लिया? उसके उपरांत ही आहार लिया। इसके पहले आपने कितनी बार आग्रह किया? मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मेरी को प्रभु के प्रति विश्वास है। संकट आते हैं, आपदा आती है, विपदाएं आती हैं, सभी को आती हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास अपना बना रहना चाहिए। थोड़ी सी संकट आने पर, थोड़ी सी विपदा आने पर, थोड़ी सी आपदा आने पर, हमें कभी भी मन को चलायमान नहीं करना चाहिए। आएगा संकट, आएंगी विपदाएं, परीक्षाएं आएंगी, उनमें हमें कभी भी मन को लेकिन किंतु परंतु नहीं करना, हमें अपनी दृढ़ विश्वास आस्था के साथ है। अरे मृत्यु तो एक बार होनी ही होनी है, क्या होनी? मृत्यु तो एक बार होना ही निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं, अगर भगवान की भक्ति करते करते, अगर भगवान की भक्ति करते करते मेरे प्राण निकल जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए प्यारे बंधु, कभी भी आप लोगों को भी मैं निर्देश कर रहा हूं, एक को नहीं सभी को, कब किसकी काल आने वाला होगा, किसका कौन सी पाप का उदय आने वाला होगा, उस अवसर पर दुनिया इंतजार करती कि मेरे को कोई पुण्य का संयोग मिल जाए, पुण्य का समागम मिल जाए, कोई मंत्र सुनाने वाला मिल जाए। ये पंच नमस्कार मंत्र हमें जन्म से लेके मृत्यु तक अमृत है,
मृत्यु के समय अगर एक बार नमोकार महामंत्री सुनने को मिल गया तो वो नाग नागनी भी तर गई, वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो गई, और वह भी आज नहीं कल कल नहीं परसों स्वर्ग से च्युत होकर आएंगे और मनुष्य बनेगी और मनुष्य बन के नियम से निर्वाण को प्राप्त होगी। तो प्यारे बंधु ये मौका ये अवसर हमारे आपको मिली, मैं तो भगवान से यही चाहता हूँ कि भगवान ये पंच नमस्कार महामंत्र मेरे दिल दिमाग से कभी ना निकले और पंच नमस्कार महामंत्र के साथ बीज मंत्र ओम का ध्यान करते करते मेरी श्वास निकले, ऐसी सुभावनाओं को हम प्रत्येक व्यक्ति भावना करते रहे। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति, ये देव साध गुरु का समागम, इसीलिए कहा जाता है कि भाई देव साध गुरु का समागम कि आपका भाव ये सुधर जाए और आगे का भवांतर भी आपका पवित्र हो जाए। इस कार की सब भावनाओं के साथ ही आएंगे और जय 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 माल प्रारंभ करेंगे। बोली परम पूज्य आचार्य दया सागर जी गुरुदेव की। देव सास गुरु बीस जिन सीत अनंदानन गुण गावो जय मालिका बब दुख न से आइएगा भक्ति करते हुए अपने अपने स्थान से भक्ति करेंगे कि पवन उड़ा कर ले गई रे संयम की सुनरिया 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 सुनरिया पवन उड़ा कर ले गई रे संयम के सुनरिया जय हो उड़ उड़ चुनरिया बिलासपुर में पहुंची उड़ उड़ चुनरिया बिलासपुर में पहुंची और उड़ उड़ चुनरिया बिलासपुर में पहुंची उड़ उड़ चुनरिया बिलासपुर में पहुंची और अरे भक्तों के मन को भा गई रे। दोनों हाथ खोल के दोनों हाथ एक बार ऊपर दिखा दो प्रभु को, देव सास गुरु विराजमान बिल्कुल सीधे और भक्ति करते हुए। अरे भक्तों के मन को भा गई रे संयम की सुनरिया संयम की सुनरिया ज्ञान की सुनरिया ज्ञान की भक्तों के मन को भा गई रे संयम की सुनरिया से गाती आंगन में अरहंत देवा हरि सुर असुर नर मुनि नित सेवा तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य वाणी सदा मोहन अनेकांत में द्वादशाही बताउनी नमो लोक माता श्री जैन वाणी उड़ू चुनरिया शिखर जी में पहुंची उड़ चुनरिया शिखर जी में पहुंची और पर
बरस के मन को भागई रे सैयम की सुनरिया, बरस के मन को भागई रे सैयम की सुनरिया। मेरा छोटा सा परिवार गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार गुरु आ जाओ एक बार, गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ, अब और न हम को तरसाओ, अब और न हम को छोटा था बन था गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा था परिवार गुरु आ जाओ एक बार। हीरोगी अचारज उमस जाए साधु तरस ज्ञान भंडार समझारा, धन वेश धारी सुहेगा बिहारी जानंद मंड मुखी पद प्रचारी, हृदय क्षेत्र में तीर्थं कर भी सिरावे हर मान बंधु सभी पाप भजे, नमो से निर्वैरी रावे सुधा में हरा पुर समाधान सहजावे रावे, देव सात गुरु तीर्थंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जी तर ले रे। ओम रीम श्री देव साय गुरुभ्यो विद्वान बीती थं कृभ्यो अनंत सिद्धि परमिति भी नमः। जलादि जयमाला 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 पुनार्यम महार्यम निरीपामिति वर्तमान की चैत भक्ति आलोचन प्रेम श्री कृष्ण कृष्ण जिन चित चित जिन बिंबिबन वजला दे अरे यम नीरे पामेते। पूर्व मध्य अपराह्न के बेला पूर्वाचारों के अनुसार दीप बंद ना करूं माम दे सकल कर्म गिना, पंच महागुरु धुमरन करके कारो सर्ग करूं दुख का, तेज स्वभाव सुख लग अपना जाऊंगा वे भवा। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपित नौ बार नमोकार महामंत्र का ध्यान करेंगे। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए पुराने वाली जो पूजा ने वर्ग स्वर्ग प्राणत को भी आए वर स्वर्ग प्राणत को भी आए सुमात बामा सुतवाए, अस सैन के बारस जिने जिनके सुर नहीं नव हाथ उन्नत धन विराज उरग लक्षण बदल से आवो तुम्हें जिन आए दिष्ट परम मेरे सब न से। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्री भी नम अत्र अवतर अवतर संभूषण आवाही नम। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्री भी नम अत्र तीष्टि तीष्टि छठि स्थापिनम। ॐ ब्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्री बिन्वात्रिमं सन्नितो भाव भाव षटि
शनिधि कर्णम जय हो जय हो जय हो परिपुष्ट। इसलिए हंसते हंसाते मुस्कुराते हुए हमारी बहन जी हो, हमारे भैया जी हो, हमारे सभी बच्चे, हमारे माता बहने जो भी हो, हंसते हंसाते पूजा करेंगे तो बिगर भोजन के ही हमारा खून, बिगर डायबिटीज, किसी भी प्रकार की कोई भी टॉनिक लेने के बिगर भी हमारा खून अपने आप ही बड़ा करता है। इसलिए हंसते हंसाते हाँ, और तुम्हें भक्ति की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तुम्हें भक्ति की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तुम्हें करते नमन पारस करण, तुम्हें भक्ति की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तुम्हें करते नमन पारस करण। सोम के समान अम्बुसार लाई के हेम पात्र धार के सु आपको चढ़ाई के काशनाथ देव से मैं आपकी करो सदा हेम रीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्री बीनवा जैन में जरा मृत्यु विनाशिनाई जलम नीरिपामिते चंदनादि केसरादि स्वच्छ गंध दीजिए आप चरण चरत को है भाव को दीजिए पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं सदा। प्रेम प्रेम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्री बीनवा संसार ताप विनाशनाये चंदिनम नीरिपामिते तीन चंद के समान अक्षतान लाएंगे चरण के समीप सारे पुंज कौन जाएंगे पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं सदा। प्रेम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्री भीनम अक्षय पद प्राप्तिये अक्षितम नीरिपामिति कीवड़ा गुलाब और कीत की सुनाएगी बाहर चरण के समीप काम कौन जाएंगे पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करो सदा दीदी निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हेम रीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्री बीनमा सीधा हम सोचे भूख ज्यादा लग रही है तो पहले ले रही हूं। ओम रीम सी काम बाण विनाशनाय पुष्पम नीरिपामिति आप चरण सरस के सुनावी रोगी को हरे पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करो सदा दीदिये निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। रीम रीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्री बीनमः छिदा 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 ऋग विनाशिनाय निवेद्यम् चिदा ऋग विनाशिनाय निवेद्यम् नीरिपामिति लाए रतन दीप को सनेह पूर की भरु मातिका कपूर वाणी मोह जात करु पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं सदा। तुम्हें भक्ति की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है,
तुम्हें करती नमन भारत चरण। ओम ब्रीम श्री चिंता मणि पासना जिनेन्द्री भी नम महामोहांधकार विनाशिनाय दीपम दीपम निरपामेति। धूप गंध लिए केसु अग्नि संग जारिए पांच धूप केसु अंग अष्ट कर्म वारिए अर्थनाथ देव से मैं आपकी करो सदा दीदी निवास मुक्त भूलिए नहीं कदा। ह्रीम ह्रीम श्री चिंता मणि पासना जिनेन्द्री भी नमा हम सबके ऐटिकर विनाशिनाय धूपम निरपामेति। ओ खार काटी सिर बटावी अंग दान में भरू हर्ष धारी के यजु सुमो के सौख को भरू अर्जनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ह्रीम ह्रीम श्री चिंता मणि पासना जिनेन्द्री बीन मा महा ठीक है ना महा मोक्ष फल प्राप्ति ये भूला तो नहीं महामोक्ष प्राप्ति फलम 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 निरपामेति। जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में लग गए चार चांद हस्ती में जो भी गुण पार्श्व तेरी गाते हैं उनके चर्चे हैं गली बस्ती में पर जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया और जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। किस किस को लगाव हुआ है जब तो हम यहाँ बैठे हैं कि जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। जब दीन लोग आए चीन गिरी चै मांस अगाउंट तनी चलो बुर्दों जुलवार सुकोट तनी रजना छब देद कबूरन बेले के बहुते दे सुकोट तनी रजना छब देद कबूरन बेले के जबिगे बनारस की रजना जो अपार करी बहु वादी रने से तैयार तहां अत से नरीन्दी उदार करे जुगुमान जने दुडार तजो तो भारत नाम विमान भये दिन के वर नंदन आन सुई दुर इंद्रिय होगन आए गरिंद करीब जिहोन सुजान पिता कर सौंप गई निज धाम कुबेर करे वस नाम सुखाओ बड़े जिन दोजे मयंग समान रमे बहु बालक निर्जन आन भये जब अष्टम वर्ष कुमार दरे अनुव्रत महासुखगार आन करी अरदास करो तुम गाह मरो अम्बास करी तब नाई रही जग चंद किए तुम गाम गजाई जुवंद चढ़े गज राजकुमार संग सुफे गगवान में धनी सतरंग चढ़ी गुरु ल
कोई रंग करे तब जोर तहो रवे अग्नि बने अति जो कहे जिन नाथ अरे सुन बात अरे बहु जीवन की मत घात ओ भयो तब कोब कही जित जी चले तब नाम विधि गाए ददी लखो ये कारण भावन भाए भये दिव ब्रह्म ऋषि सुर आए तभी सुर चार प्रकार नियोग धरी शिव का निज कंद मनोग यौवन मांगी निवास जिनन धरे व्रत चारित आनंद गंद नहीं तह अष्टम के उपमास गए धन दत्त तने जो आवास दियो वैदान वहां सुखकार भई मन वृष्टि तहां तिहवा फिर कानन वाही दयाल धर्यो तुम योग सभी अगटा सभे तुम धूम सुखी तो अयान भयो कमटादर को सुर आम करे नब गौन लखे तुम धीर जो पूरब वैर विचान गही यो उपसर्ग भयानक घोर चली बहुत चढ़ भवन जकोर तम छाए लगी बहु अग्नि लगी नहीं जा सुरुंडन की बिन वंड दिखाए पड़े जल मोसर दाल अथा कभी पद्मावती तब रंग सुदीखत हाल लयो तब केवल ज्ञान विशाल उपदेश महाहित कार सुभव्यन बोध समेत बला सुवर्ण वत्र दामूट प्रसिद्ध परीद बनारी लही बसुवृत्ति जो तुम चरणों दो कर जोर प्रभु लखिए अब ही बमोर ही भगतावर रत्न बनो जनेज हमें बब पार लगा ते पास तेरी महिमा कवदीन लोके गाए पंदर चरण सुनाग पति करुणा के धारी पर उपकारी शिव उपकारी कर्म हति हे पार हे पार हे पार तेरी महिमा जब तीन लोक गाए ओम ह्रीं श्री चिंतामणिपाशना जिनेन्द्रीभ्यो नमः जलादी जेमला 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 कुणारिगम हरिगम 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 निरिपामिति जो पूजे मन लाए भव्य पारस प्रभु निधि ताकि दुख समझाए बीत व्यापी निधि दी सुख संपत्ति अधिकाए पुत्र मित्रादि के सारे अनुक्रम सौ शिविल रत्न इम कहे पुकारे आशीर्वाद परी पुष्पांजलि ध्यान दीजिए अभी मैंने पूरा नहीं बोला आशीर्वाद पूरा नहीं बोला मैंने ये आशीर्वाद अभी अभी अपने क्या पढ़ा पुत्र पोत्र आदि आदि बढ़ा ना तो किसको मिली वो चढ़ी हुई द्रव्य को मिली क्या नहीं ये जो पुत्र आशीर्वाद होता है एक तो जब स्थापना करते तो परिपुष्पांजलि छिपेत करते वहाँ थाली में पुष्पेपन करने चाहिए और जयमाला के बाद जब भी आशीर्वाद का शब्द आता है तो वो मेरी को आशीर्वाद मिली तो पुष्प हाथ में लेंगे और भगवान की ओर ऐसा करेंगे हे भगवान आशीर्वाद परिपुष्पांजलि अपने माथे पर आशीर्वाद परी पुष्पांजलि छिपे मेरे को भगवान आप आशीर्वाद दीजिए
कोई बात नहीं है भैया, जिनवाड़ी दे दो, जिनवाड़ी दे दो मेरे को। आएंगे देखिए, अर्घ्य तो हमने पहले ही भगवान आदि की आदि से लेके महावीर पर्यंत तक बाहुबली तक की सबके अर्घ्य चढ़ा दिए थे। अब माँ जिनवाणी, जिसकी बिगर हमारा जीवन नहीं है, माँ के बिगर आपका जीवन नहीं होता है, माँ के बिगर आपका जीवन नहीं होता है, माँ के बिगर जन्म संसार में जन्म भूमि पर हमारा जीवन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जिनवाणी की भी ओ मेरी माँ कितनी अच्छी है, कितनी मेरी है, बोले वाली है। ओ माँ जिनवाणी माँ, ओ माँ जिनवाणी माँ, कर्पूर मंगाया, चंदन आया, सर लाया, रत्न भरी सारद पद बंदो, मन अभिनंदो, पावन गंदो दाहरी, तीर दंगर की दुन गण धरने सुनि अंकर थे दुन ज्ञान भई, ओ जिन वरवानी सिख सुख दानी, त्रिभुवन वानी बोल भई। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ जिनवाणी माँ, ओ माँ जिनवाणी माँ। ईं ब्रीं श्री जिनमिखेद्वादशांग जिनवाणी भ्यो नमः। संसारता विनाशिनाय चन्दिनं निरपामिते, सुखदास कमोदम धारक मोदम अति अनुमोदम चंदम, बहु भक्ति बनावी कीरत गाय बहु सहाय महात्मा बहु, तेरे शंकर की धन गण धर ने धन अंगर दे धन ज्ञान भई, दो दिन वरवानी दिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी बुज भई। ईं ब्रीं श्री जिन मिखेद भवद संग जिन वाणी बीन मा, अक्षे पद प्राप्तिये अक्षितम अक्षितम निरपामिति, बहुपूर सुवासम विमल प्रकाशम नंदनंदम आयदरे, काम मिटावो शील बनाय सुख उपजायो दोष हरे, निर्भंकर की धन गण धर ले सुन अंगर दे जन जान भई, तो दिन वरवानी दिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी बुज भई। ओम ब्रीम श्री जिन मुखोद्वादशांग जिन वाणी भ्यो नमः। काम बाण विनाशिनाय काम बाण विनाशिनाय पुष्पम निरपामिति, पकवान बनाया बहुव्रत लाया सब विधवाया मित्र महा, मौजूद दिगा प्रीत बड़ा छुदा न थाओ हर सलाह, निर्धंकर की धन गण धर ने धन अंगर दे धन गान भई, तो दिन वरवानी दिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी बुज भई। ईं ब्रीं श्री जिन मिखेद भवद्वादशांग जिन वाणी भ्यो नमः। छिदा छिदा ऋग विनाशिनाय क्या हाथ घबरा रहे हैं, छिदा ऋग विनाशिनाय निविद्यम निरपामिति, हेलो कर दीपक जो तम तम छह हो तम ज्योति उदो तम तुम्हें चढ़े, हो वर काशक भरम विनाशव हम गण भाषक जान गण, फिर दंगर की दुन गण धरने दुन हंगर दे दुन गाउन भई, दो दिन वरवानी सिव दुख दानी, त्रिभुवन वानी बुज भई। ही प्रीम सी जिन मिखी द्वाद संग जिन बाणी बीन मा, कौन सा चलाना है दीप, दीप चरण से क्या होता है, मोह रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार,
का नाश होता है। सब में ज्ञान की प्राप्ति केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। इतना सा दीपक, इतना बड़ा महान ज्ञान अज्ञान को नाश कर देगा और ज्ञान का प्रकाश कर देगा। ओम ह्रीम श्री अज्ञान तिमिर नाश नये दीपम नीरे पामेते। सुभगंध दसों कर पावक में नर धूप मनोहर केवत सब पाँव जरावे बन्ने कमाओ दास कहाँ वे सेवत है। फिर शंकर की धन गण धरने सुने अंगर तेज नयान भाई भोजन वरमाने दिव सुख दाने त्रिभुवन वाने पूज्य भाई। हे म्रीम सी जिन मुखोद भाव दोद संग जिन बाणी बीन भा हम सबके मैं अपनी बात कर सकता हूँ, आप सबकी बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं सबके साथ हम सबके आई टिकर विनाशिनाए धूपम नीरे पामेते। देखिए एक छोटी सी बात बता दूं, हमने अभी आठ द्रव्यों से भगवान की पूजा, देव साध गुरु की पूजा और माँ जिनवाणी की भी पूजा कर रहे हैं। ऐसी आठ द्रव्यों में हमारी कौन सी द्रव्य है, ये द्रव्य डायरेक्ट सीधे भगवान तक पहुंच जाती है, वो कौन सी द्रव्य है? कौन सी द्रव्य है डायरेक्ट सीधे भगवान तक पहुंच जाए? मोक्ष फल। बहुत बढ़िया, मेरी समय में नहीं आया, और कोई बोले? अरे आठ व्यक्ति कोई भी है, आठ द्रव्य बोलने के कोई तो आठ में से एक तो होगी। अष्टकर विनाशनाय धूपम, देखिए कैसे पहुंचती है द्रव्य। ऐसी द्रव्य में डाल देने से नहीं होती, ये द्रव्य अग्नि माह विशेष, कहीं किसी छंद में लिखा हुआ है अग्नि माह विशेष। ओ बहन जी, ओ बाबू रे, श्याने श्याने बाबू, देखो वीडियो चालू है, वीडियो कैमरे में आपकी फोटो आ रही है, लाइव चल रहा है, फिर भी आप ये बातें कर रहे हो। नमोकार महामंत्र चैनल सारे देश को, 170 कंट्रियों को ये दिखा रहा है और आपकी बातें चल रही हैं। कितनी महत्व की बात मैं बता रहा था, मैं भूल गया, मेरा दिमाग चंचल होता है, तो मैं क्या बता रहा था। आप जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसमें एक द्रव्य वही अष्टांग एवं दशांग धूप होती है, उस धूप के लिए अग्नि माह विशेष, अग्नि में ही हमें डालना चाहिए। जब वो अग्नि में हम डालते हैं, अरे बहन जी, ओ मोटी मोटी सी कुर्सी पे बैठी वाली बहन जी, कुर्सी पे बैठी बैठी बहन जी आपके कान किराए पर रखे लगता है, कान किराए से आ गए वापिस जी। आप धूप अग्नि में डालते हैं और उससे जो धुआं निकलता है वे धुआं मर राते नीचे की ओर नहीं आता, वे धुआं धीरे 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 ऊपर तक जाता है और वे जहां तक धर्मास्तिकाय द्रव्य है वहां तक मर्राता हुआ चला जाएगा, वहां सिद्ध भगवान विराजमान है। सिद्धि भगवान के पास तक आपकी ये धूपें द्रव्य पहुंचती है, लेकिन हम क्या करें, आज के समय में
हमारी मंदिरों में थोड़ा सा पुताई रंगाई सोने चांदी का काम कर लिया, हम आलसी हो गए। कौन कोयला मंगाए, कौन कोयला जलवाए और कौन उसमें धूप में अग्नि में धूप में डाले, ये सारा हमारा प्रमाद, ये द्रव्य यही की यही पड़ी रह गई। कभी कभी माली भी गाली देता है, कभी कभी माली भी गाली देता है कि अच्छी अच्छी द्रव्य थी, अच्छा अच्छा बढ़िया चावल था, उसमें धूप और डाल दी तो उसमें धूप की खुशबू आने लगी तो खाना भी वो चावल नहीं खाया जाता। तुझे यहाँ डालनी चाहिए द्रव्य, वहां चढ़ाने से ही पुण्य मिला करता है। इसलिए प्यारे बंधु आज तो कोई बात नहीं है, अभी तो हवन में धूप डालेंगे अपन, फिर कल से ध्यान रखिएगा कि हमारी धूप कहाँ डाली जाए, कहाँ चढ़ाई जाए, तो वही द्रव्य हम अग्नि में ही धूप चढ़ाएंगे। धूप चढ़ा दिया ना कि बाकी है, चढ़ा चुके हैं, अब फल चढ़ाना है। हाँ, फल का बोलना है कि बोलना, छंद बोल दिया, नहीं अभी नहीं बोल, बोलिए शुरू कीजिए। बादाम छुहारे लोंग सुपारी सही फल भारी लिहावत है, मनवांचित नाता मेट असाता तुम गुण माता ध्यावत है। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सिनि अंगिर चीशिन ज्ञानी मई शेजिन बरवाणी शीश किदानी त्रिभुवन मानी पूज्य मई। ओम ब्रीम श्री जिन मुखोद्भव दशांग जिन वाणी बिन महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरिपामिति। नैनन सुखकारी मृत गुण धानी उज्ज्वल बारी मौलधर शुभ गंध समारो वजन निहार तुम धन धारो ज्ञान करे। तीर्थंकर की धन गण धरनी सुनि अंगर चेतन ज्ञान भई भोजन वरवाने शिव सुख दानी त्रिभुवन वाणी भोज भई। हाँ देखिए यहाँ क्या चढ़ाना है, अर्घ्य बसंत, यहाँ बसन चढ़ाने का होता है, जिससे हम अपनी माँ जिनवाणी की रक्षा सुरक्षा संवर्धन किया करते हैं। तो आप सभी भक्तगण अपने अपने जेब में, क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए आए तो जेब तो है ही नहीं, तो जिन जिन के भव्य आत्माओं के पास अर्घ्य नहीं चढ़ाना, उसमें अर्घ्य नहीं, उसमें चंचला लक्ष्मी, ये लक्ष्मी आपके मंदिर में ही माँ जिनवाणी की संरक्षण संवर्धन में काम आएगी। मेरी बात सुन लो, पूरा सुधर्मेंद्र मेरी बात सुन लो, 10 रुपये में एक कागज भी प्रिंटिंग करके कोई निकाल के देने को तैयार नहीं होगा। मेरी बात बहुत कटुक सत्य है, बुरी लग जाए तो लग जाए, मेरे बाप का कुछ बिगड़ेगा मेरा भी नहीं बिगड़ेगा। 10 रुपये में एक कागज को प्रिंटिंग करके आप निकलवाना चाहो तो भी वो निकाल के नहीं देगा, 2 रुपये में तो फोटो कॉपी करके देता है। तो इतना पैसा निकालो कि कम से कम एक ग्रंथ तो कम से कम आ जाए। एक ग्रंथ का दान देना है। ग्रंथ का दान किसने दिया था, उसको क्या फल मिला? ग्रंथ एक मुनिराज ने अपने हाथों से लिखकर रख दिया, क्योंकि आज तो हम धर्मशालाओं में मंदिरों में निवास करते हैं, अगर हमने कहीं लिखा तो हम किसी मंदिर में रख देंगे, लेकिन पहले के समय में बहन जी बैठ जाना, ओ बहन जी आप बहुत चंचल हैं, इतना मोटापा किसने दे दिया आपको जो चंचलता आपको मिली इतनी, बचपन से मम्मी के पेट में भी ऐसी चंचल थी क्या? बचपन से पचपन में आ गई। हाँ
कितनी अच्छी अच्छी बात चुन चुन के मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ना तो आप यहाँ कभी विषय विद्वान को बुला पाते हैं, क्योंकि छोटी समाज है, न किसी भैया जी को बुला पाते हैं। निमित्त योग से महाराज जी भी एक आध दिन के लिए अगर कोई आए तो आए, दो चार दिन के लिए आ गए, फिर उनका प्रवचन जब भी होगा जब पूरी समाज इकट्ठी होगी, लेकिन समाज छोटी तो वो प्रवचन भी नहीं हो पाती। लेकिन जो मैं अभी आपको इस मौके पर अवसर पर बता रहा हूँ, कल सुबह नहीं मिलूंगा बहन जी आपको, सुबह कल मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरा प्रवचन सुनो, मैं सुबह ही जल्दी निकल जाऊंगा। आज आज की सुन लो मेरी बात। तो एक मुनिराज ने एक ग्रंथ अपने हाथों से लिखा, लिखने के उपरांत उनके लिए कोई मंदिर नहीं था, धर्मशाला नहीं थी, कोई कमरे नहीं थे, उन्हीं के लिए रखने को कहाँ जगह देखी उनने, एक वृक्ष में एक बड़ा सा वृक्ष था, उसमें खोल देखी, उसमें उस वृक्ष में मुनिराज ने वो ग्रंथ रख दिया। उस ग्रंथ को रख देने के बाद वो मुनिराज विहार करके चले गए, और उसी जंगल के अंदर एक ग्वाला निरंतर अपनी बकरियां अपने जानवर लेकर जाता था। उसकी निगाह पड़ी उस ग्रंथ के ऊपर, वे ग्वाला उस ग्रंथ को उठाकर अपने घर ले आया। क्यों? कि उसने विचार किया, ये ग्रंथ इस वृक्ष में रखा रहेगा और बरसात होगी, आदि तूफान आएगा, ये वृक्ष के अंदर रखा है गल जाएगा पानी लगने से, धूल लगेगी खराब हो जाएगा। वह ग्वाला उस ग्रंथ को अपने घर लेकर आ गया और बड़ी संभाल के उसने रख लिया। संभाल के रखने के उपरांत कुछ दिनों के बाद वो इसी तो जंगल प्रतिदिन जाता था। एक दिन एक मुनिराज उस ग्वाले को जंगल में मिल जाते हैं। वे मुनिराज को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है, नमोस्तु करता, वंदना करता है और गुरुदेव से कहता, गुरुदेव मेरे पास एक ग्रंथ मिला था, वृक्ष में रखा हुआ एक ग्रंथ मिला था, उस ग्रंथ को मैं आपको देना चाहता हूँ। गुरुदेव आज्ञा देते कि ठीक है लेकर आ जाओ। वे ग्वाला दौड़े दौड़े जाता है और अपने घर से जो ग्रंथ संभाल के रखे हुए था वह ग्रंथ मुनिराज को लाकर देता है। गुरु महाराज ऐसी पन्ना पलटते हैं, देखते हैं तो ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन का उत्थान हो जाएगा, मेरा ज्ञान नाश हो जाएगा और मैं जगत में धर्म की प्रभावना कर सकूंगा। मुनिराज ने बड़े प्रेम से उस ग्रंथ को लिया और उसका अध्ययन किया। कुछ दिनों के उपरांत वह ग्वाला मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह ग्वाला मरने के उपरांत कहाँ पहुंचता है, किसकी गोद कोख में पहुंचता है, कौन सी माँ थी जिस माँ के कोख में वे ग्वाला मर के पहुंचा। वे माँ थी मदारसा, माँ का नाम क्या था भैया जी? मदारसा नाम की माँ थी और उनने कितने पुत्र जन्म दिए थे? 8 पुत्रों का जन्म दिया था, 7 पुत्र हुए, 7वें पुत्र थे हमारी कुंद कुंदाचार्य।
सात माँ पुत्र छह पुत्र जो हो चुके उन्हें वैराग्य अवस्था की ओर बढ़ाती रही। अंत में कुंद कुंद आचार्य भी आए, उन्हें भी वैराग्यता की ओर आगे बढ़ाते रही। धीरे धीरे वह कुंद कुंद आचार्य 8 वर्ष के हुए और अंतर मुहूर्त बीता। दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं? कितनी बड़ी उम्र में? 16 में। कितनी बड़ी उम्र में? 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त में, यानी कि 8 वर्ष ही कही, 8 वर्ष होते ही उनने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर ली। आपकी कितनी बड़ी उम्र होगी विचार करो। और वे कुंद कुंद आचार्य ऐसे तप करते ऐसे तप करते और ऐसे ज्ञानी बनते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में आचार्य पद प्राप्त कर लेती है। अभी आपसे कहें तो आपका भी जब मैं छोटा हूँ, ये हूँ, बहू बहाने। और हमारे कुंद कुंद आचार्य महाराज 8 वर्ष में दिगंबरी दीक्षा और 12 वर्ष में आचार्य पद प्राप्ति। और फिर इतना घोर घोर तम तप किया, इस तप के प्रभाव से विद्याधरों के माध्यम से वे कहाँ पहुंचे? विधि क्षेत्र। यहाँ महा महा ज्ञान के धारी श्री मंदिर आदि 20 तीर्थंकर विराजमान, जिनके पास केवल ज्ञान महाज्ञान है, उनकी दिव्य देशना 3 दिन तक है। चारों संध्या मैंने 12 दिव्य देशना सुनी और सुनने की उपरांत फिर यहाँ वापिस आकर उन्हें इस समय सार प्रवचन सार नियम सारे पंचास्तिकाए आदि ग्रंथों की रचना की है। और समाधि उनकी कितनी उम्र में हुई? 100, 200, 500 साल की उम्र में नहीं, मात्र 32 साल की उम्र में ही उनकी समाधि हो गई। हमारे 32 साल ही क्या, 3200 साल भी बीत जाए तो कुंद कुंद की रची हुई ग्रंथों के रहस्यों को भी हम पार नहीं पा पाएंगे। ऐसी ज्ञान की धारी, ऐसी ज्ञान का संरक्षण संवर्धन करने के लिए हमारे 10 रुपये से संवर्धन और संरक्षण नहीं होगा। आप दिल खोल के अधिक से अधिक राशि माँ जिनवाणी की प्रचार प्रसार के लिए संरक्षण संवर्धन के लिए आप आएंगे और वसन के स्थान पर चढ़ाएंगे। हाँ हाँ, 1 मिनट देखें। कल आपके सामने एक न्योछावर का पात्र घूम रहा था ना, चमत्कारी पात्र। उसमें आपके हाथ से 100 के 50 के नोट गिर रहे थे, लेकिन माँ जनवाणी का शुभ पात्र आपके सामने घूम रहा है तो 10 का नोट गिर रहा है। वो व्यवस्था कहाँ से आ जाती भैया? कोई बात तो कहते हैं, किसी ने कहा है, वो नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 डालिए 1000 डालिए, वो कह नहीं रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। एक आपका एक नया पेशा भी महत्वपूर्ण है। यहाँ जैसी व्यवस्था अभी आपकी, मैंने पहले ही कहा आप पूजा पाठ के वस्त्र पहने हुए, इनमें जेब नहीं है, जेब नहीं, इसकी उपरांत भी आपकी भावनाएं महान हैं। उन भावनाओं के साथ आपकी जो राशि है वे अवश्य ही चढ़ाए। पंडित जी ने तो कहीं का कहीं जोड़ा वो चमत्कारी कलश, ये सब नाटकबाजी है, कोई बात नहीं, नाटक चमत्कार को छोड़ दीजिए और माँ जिनवाणी एक भजन बोलिए। जिनवाणी मैया मेरी पार करो नैया,
जिनवाणी भैया मेरी पारी करो नैया तुम्हें पूजने आ गए सभी तुम्हें पूजने आ गए सभी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है जिनवाणी माँ अपनी जिनवाणी माँ अपनी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु में माँ अपनी जिनवाणी माँ अपनी जिनवाणी माँ जल चंदन अक्षत भूल चरु अरुदीप धूप अति फल लाओ पूजा गौड़ जौन सुख पावे दुनिया ओम रीम श्री जिन मुखोद्भाव द्वादशांग जिन माणी व्यो नमा वशेनी समर्पयामी अरियम निष्पामिति सहा अब आएंगे अरिगा हेलो 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 अरिगे जर चंदन अक्षत फूल चरु अरुदीप धूप अति भल्ला पूजा गोडानत जो तुम जानत सोनर ध्यानत जुगवा तीर्थंकर की धनी गण धर नई सिनिय केर चीश निगान मई ते जिन मनवाणी शीर्ष कदानी मनवाणी भूज मई ओम प्रीम सी जिन मुखोद्वा दशांग जिन वाणी बियनमा यलादि अरियम निरपामिति द्वादशांगवाणी विमल नमो भक्ति ज्ञान करे जड़ता हरे पहलो आचारांग मकानो पद सहस प्रमाणो सूत सूत्र कदम अभिलाषम पद छत्तीस सहस गुरु भाषो पंचम सप्तम उपास अष्टम अंत कृतम दस ईसा सहस अठाईस लाख तेईस और नवम उनहत्तर दस सुविधालम लाख बानवे सहस चवालम दसम प्रश्न व्याकरण विचारम लाख तिरानवे सोलह हजारम ज्ञानम सूत्र विभाग सुभागम एक गोण जो राजी लागम चार गोण हरि पंद्रह लाखम दो हजार सब पद गुरु भाषम ज्ञानम सूत्र विभाग सुभागम एक गोण जो राजी लागम चार कोणी अरुबंद लागम दो हजार जब बद गुरु वागम
द्वादश अष्टिवाद बन भेदम 108 कोड़ बन वेदम अठ लाख सहस छप्पन है सहित पंच पद मिथ्यान है 112 कोड़ी बकानो लाख 83 ऊपर जानो आवत सहस पंच अधिकाने द्वादश अंग सर्व पदवाने कोड़ी इकानव आठ हिला तम सहित 84 जय दो मारो आठ 21 श्लोक बनाए एक एक पद के ये गाए पूजा वाणी के ज्ञान दे पूजे लोकानो ज्ञान जग जय बल दो सदा दे दो प्रेम श्री जैन मुखोद्भव अदसंग जिन वाणी बियन मा जला दी ये माला पुणार्य महार्य ओम प्रेम श्री जिन मुखोद्भव अदसंग जिन वाणी बियन मा जला दी ये माला पुणार्य महार्य निरिपामिति शांति शांति धारा 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 इत्याशीर्वाद पर है ना हाँ यहाँ हम जिन वाणी पढ़ते हैं कभी कभी छिपक लगाने के लिए कि कल मेरे को फिर यहाँ से आगे पढ़ना है तो क्या करते हैं जिस चटाई पर हम बैठे हुए हैं जिस चटाई पर हम बैठे उसी चटाई में से एक सीख तोड़ते हैं और जिनवाणी में लगा देते हैं तो ये पाप नहीं महापाप है इसलिए इस जिनवाणी का संरक्षण संवर्धन कभी भी अपनी जिनवाणी में कोई ना चावल पड़े रहे ना इस जिनवाणी पे पानी फालतू गिरे ना जिनवाणी का हम ऐसा पन्ना मोड़े और न ही जिनवाणी में कभी सीख आदि लगाए और न ही कभी कभी छिपक में पुस्तक में देखता हूँ मोटी मोटी लोंग वो लोंग भी मेरे को मिल जाती है तो ऐसी ना लगाएं हम याददाश्त रखें या एक कागज रखें जिस कागज को वहाँ बीच में लगा दें इस प्रकार से जिनवाणी की सुरक्षा आप कर सकते हो और ये जिनवाणी फटने के बाद ये जिनवाणी कहीं आपकी ब्रांडी खुल गई या फट गई तो आपने उठा के कचरे घर में डाल दिया और नई नई जिनवाणी लेकर आकर रख दिए तो जो कचरे घर में डाल दी है जिनवाणी तो प्यारे बंधुओं एक बार नमोकार महामंत्र को लिख करे शुभम चक्रवर्ती ने पेशी मिटा दिया तो वही नरक में गई हम और आप भी माँ जिनवाणी की अगर कदर नहीं करेंगे ये जिनवाणी का अनादर करेंगे तो हमें कभी भी ज्ञान वाणी कर्म का हम क्षय नहीं कर पाएंगे कितने भी हम पढ़ लें कितने भी कुछ कर लें लेकिन अज्ञानता के नाश को प्राप्त कर नहीं सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हमें जल्दी नहीं होगी इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें माँ जिनवाणी की कदर करनी पड़ेगी माँ जिनवाणी को संभालना पड़ेगा मेरे को बचपन की याद आ रही है कि मैं लगभग 10 भाई बहन था तो यो बड़े भाई ने पुस्तक पढ़ी थी वही उनकी छोटी बहन ने वही उनकी और छोटी बहन ने और वही मैंने पुस्तक पढ़ी है कंजूसी की बात नहीं थी उसी पुस्तक को संभाल के काम में लेने की बात थी तो प्यारे बंधुओं मैंने उस समय भी किया और आज भी मैं ग्रंथों का प्रकाशन भी करा देता हूँ लेकिन मैं अपने पास अपनी पुरानी पुस्तक जो होती है उसी पुरानी पुस्तक को ही या पुरानी डायरी को ही वर्षों चलाने का कोशिश करता हूँ मेरे पास एक भक्तमर की पुस्तक है लगभग 2001 की छपी हुई पुस्तक है वही पुस्तक मेरे पास आज भी मौजूद है मैं प्रतिदिन उसी से भक्तमर पाठ एवं भक्तमर रिद्धि मंत्र और विधान का
माँ अर्घ्य का उच्चारण रोज करते हैं। मैंने इसमें प्रातः काल में भक्त हमारे रीति मंत्र सहित विधान का उच्चारण करते हैं, तो वह पुस्तक आज भी मौजूद है। हम चाहें तो नेहरू जी जैसा प्रतिदिन नेहरू जी नए कपड़े बदलते थे, दूसरा कपड़ा दूसरे दिन नहीं पहनते थे, तो मैं भी उसी प्रकार से प्रतिदिन एक पुस्तक बदल सकता हूँ। मैं भी एक पुस्तक प्रतिदिन बदल सकता हूँ, लेकिन नहीं प्यारे बंधुओं, ये अहम की बात मेरे को पुष्टि नहीं करनी है। हमें माँ जिनवाणी की कदर की बात करनी है, जो तो माँ जिनवाणी को हम सुरक्षित और संभाल के रखें, तभी जाके हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति एवं लौकिक व्यवहार का ज्ञान भी तभी हमें प्राप्त हो पाएगा जब हम माँ ज्ञान जिनवाणी का कदर करेंगे। तो प्यारे बंधु, जिनवाणी का कदर अवश्य कीजिएगा। मैं आपको जितना ही बताऊंगा उतना कम है, समय मेरे पास भी उतना अधिक नहीं है। समय जितना कम से कम है, जितना आपने अधिक से अधिक दिया मेरे को, समय में भी मैं आपको सदुपयोग करके ही आपके जीवन का पाप का नाश करें, पुण्य का वर्धन हो, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ही संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आएंगे और माँ एक बार जिनवाणी की जोर से जयकारा बोलेंगे। बोले जिनवाणी माता की, बोले जिनवाणी माता की, बोले दादसंग जिनवाणी माता की। भव्य आत्माओं, अभी आपका संपूर्ण कार्यक्रम समाप्ति की ओर चल रहा है। निर्विघ्न निर्वाध हर्ष उल्लास के साथ आप संपूर्ण कार्य हो रहा। अब मैं आपको एवं आपकी संपूर्ण समाज के अध्यक्ष मंत्री आदि आदि जो भी जहाँ कहीं भी हो, वैश्विकता के साथ यहाँ मंदिर में पहुँच जाए, क्योंकि आपको मूर्तियां वेदी में विराजमान करनी है। अभी थोड़ी देर में हवन करेंगे तो धुआं हो जाएगा, फिर कोई भी यहां बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि धुआं में तो शक्ति को दर्शन प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, चार्ज प्राप्त होगा, और उसके ऊपर फिर ये चंद्राकार शुद्ध भगवान बनाते हो, यह 3 लिखना, यह 24 लिखना, यह 5 लिखना, यह 4 लिखना, 3, 24, 5, 4, एक प्रतत्रय, 24 दिगंकर, पंच परमेश्वरी और 4 अनियोग। Thank you.
भगवान को देखते देखते मेरी बात सुनिए ध्यान से, कोई भी बातें नहीं करेंगे। आपने मौन ग्रहण करने का संकल्प किया हुआ है, सिर्फ यहाँ से जो प्रसंग आएगा उसी में आप बोलेंगे, बाकी आपस में कुछ भी नहीं बोलेंगे। सभी लोगों की दृष्टि जिनेंद्र भगवान की तरफ, हम ओम शांति बोलेंगे, सभी जिनेंद्र भगवान को देखेंगे, ओम शांति। दूसरी बार ओम शांति बोलेंगे, जिनेंद्र भगवान को देखते देखते आंखें बंद करेंगे, ओम शांति। और तीसरी बार में 27 बार श्वासोच्छ्वास में आपको डमकार महामंत्र का ध्यान करना है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, तेरा ऊपर करो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
देखिए जिनकी वजह से मैं आपके बीच में आया हूँ, इसका पूरा श्रेय आपको प्रदीप भैया को जाता है। वो बुलंदशहर से अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, अपनी इंद्राणी के साथ, अरुण जी, सीमा जी, निपुण जी के साथ और बहुत सारे लोग आए होंगे, रथ यात्रा में शामिल हो गए होंगे। तो जोरदार तालियों से इनका सम्मान कीजिएगा। और हमारी गवर्नमेंट उनका तिलक के माध्यम से, माला आदि के माध्यम से एक बार
Thank you.
Om Rim Sri Swasti.
शाम को होएगा चलो चलो अंकित Yeah.
Thank you.
तरफ इंद्र और एक तरफ रानिया, एक तरफ इंद्र और एक तरफ रानिया, और बीच में जगत के काल में करने आऊंगी मैं तो बंधन
Thank you.
दीवाना दीवाना नारा देखो, 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 नारा दे
इधर को नहीं आए इधर को नहीं आए आज नहीं तुमसे लाने लगे रह लो अपने शरण गले गले जय बोलो जय बोलो जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो जय बोलो उनके कान के कन्नान की जय बोलो 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 जय बोलो 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 जय बोलो 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 जय बोलो Thank you.
Thank you.
सभी लोग बैठ जाइए। सीताओ 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 सीताओ
अल्प होकर तुच्छ होकर वे पाप पलायमान हो जाता है। एक छोटी सी घटना मेरे को याद आ रही है। दो दोस्त थे, दोनों दोस्तों में बड़ी घनिष्ठता थी। एक दिन दोनों दोस्त घूमने निकले और घूमने निकलने के साथ साथ ही शाम को भोजन करके निकली थी। दोनों के मन में विचार आता है कि चलो घूमने चलती है। घूमने चलती चलती एक चौराहे पे पहुंचे। चौराहे पे पहुंचने के उपरांत दोनों के भाव बदल गए। ध्यान दीजिए मेरी बात को, दोनों के भाव बदल गए। और भाव बदलने के बाद एक तो कहता कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं मंदिर में जाके आरती करूँगा। दूसरा कहता कि मैं तुम जब मंदिर जाओ जाओ, मेरे को मतलब नहीं, मैं तो विश्वास के यहाँ जा रहा हूँ। विचार कीजिए कितने विपरीत भाव हो गए। एक तो जिनेंद्र भगवान की जिनालय में आरती के निमित्त से जा रहा है, दूसरा वेश्या के यहाँ जाने को तैयार हुआ। धीरे धीरे दोनों के अपने अपने स्थान पर पहुंचने के बाद कुछ घटनाओं में घटनाएं घटती है। जो भाव में भाव होते हैं, जो व्यक्ति मंदिर गया था वे मंदिर में प्रवेश करने के बाद आरती की थाल लेता है और भगवान की आरती करने को तैयार हो रहा। मन में विचार आ रहा है भगवान की आरती करते करते क्या हो रहा, मन में विचार आ रहा है कि वह मेरा दोस्त वेश्या के गया है, वह आनंद ले रहा होगा। मेरे वेश्या के जहां पास जाने वाले की वो शरैना मन ही मन कर रहा है। इतने बीच में वहां पे कील पड़ी हुई थी, उसके पैर में कील चुभ जाती है, खून खून हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वह वेश्या के यहां जाने वाला वेश्या के यहां गया। वह वेश्या के पास पहुंच गया, वेश्या के साथ व्यवहार कर रहा है, मन में विचार कर रहा है कि मेरा मित्र भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की आरती कर रहा होगा, कितना उसे पुण्य प्राप्त हो रहा होगा, कितना आनंद ले रहा होगा। दोनों के भावों में स्थान अलग अलग है और भावों में भी अलग अलग भाव है। किसी वो वेश्या के यहाँ से निकलता है, रास्ते में अंधेरा था, उसे ठोकर लगी, ठोकर में उसे 1,000 रुपये की थैली मिल गई। बड़ा खुश वह मंदिर से निकला, मंदिर से निकलने वाला था, उसके पैर में की चुभ गई, की चुभने के बाद खून खून हुआ और वही वहां से भी वापस निकला। एक चौराहे पे वापस दोनों इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने की उपरांत मन विचार आता है कि आज मैं मंदिर में गया, मेरे पैर में की चुभी क्यों चुभी, ये वेश्या क्या गया, पाप किया, ऐसी 1,000 रुपये की थैली मिल गई। दूसरे दिन अचानक ही समाचार मिलता कि दिगंबर साधु मंदिर जी में आए हैं। दोनों भक्त आपस में विचार करते कि चलो गुरु महाराज आए, गुरु महाराज से पूछेंगे कि गुरुदेव ऐसा क्यों, पाप करने वाले को 1,000 रुपये मिले और आरती करने वाले को बीच भी और खूना खून हो गया। गुरु महाराज विशेष ज्ञानी थे। गुरु महाराज के पास दोनों भक्तों ने जाकर अपनी बात रखी। गुरु महाराज विशिष्ट ज्ञानी होने के नाते वे दोनों भक्तों को क्या कहते हैं, देखो वो वेश्या यहाँ गया था, उसके मन में भाव चल रहा था
कि वे हमारा भक्त आरती करके आनंद प्राप्त कर रहा होगा, तो उसकी पुण्य और पाप की बात ये है कि उसी कल सुबह प्रातः काल में राज सिंहासन प्राप्त होने वाला था, लेकिन वेश्या के यहाँ जाने पर उसका पाप क्षीण हो गया और अल्प पुण्य रहा, जो कि आरती की भावना करने वाले भक्त की सराहना कर रहा था, वह केवल मात्र 1,000 रुपया ही था। और जो आरती करने गया था उसी काल नाग सर्प डसने वाला था और वे भगवान की आरती कर रहा था, इसलिए उसका पाप अल्प होकर, क्योंकि इसके मन में वेश्या के यहाँ जाने वाले भक्त की शिष्य की सराहना मन में चल रही थी, तो ये अल्प पाप इसका रह गया। तो ये पेड़ में कीच भी अन्यथा आरती करने नहीं आया होता, उसी नियम से काल सर्प डसने वाला था। तो प्यारे बंधुओं, हम कल कहाँ कैसे भी रहे, हमारी पुण्य और पाप का खेल हमारे स्वयं के प्रणाम है एवं स्वयं की क्रिया है। तो हम किस प्रणामों के साथ ही कौन सी क्रिया कर रहे हैं, अगर क्रिया के साथ पूरे भाव है तो हमें पूरा पूरा फल मिलेगा। अगर हमारे बहुत भाव क्रिया कुछ और है, मन में भाव कुछ और चल रहे हैं, तो आपका पुण्य क्रिया करते करते भी आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा और पाप का पल्ला भारी हो जाएगा। लेकिन मेरे अभी आप सभी भक्तों का कोशी तारीख को यहाँ आ गया था, 13 तारीख को यहाँ आ गया था, 13 तारीख को भी देखा मैंने आपको, 14 तारीख को भी बहुत अच्छे से देखा, 15 तारीख को भी बहुत बहुत अच्छे से देखा जाना, और 16-17 में तो देखा ही देखा, और 18 में तो मैं आपके पास ही बैठा हूँ। तो इतने समय में मैंने आपको देखा तो सिर्फ 99% आप सभी के अंतरंग परिणामों के साथ ही बहिरंग क्रियाएं और बहिरंग क्रियाओं के साथ अंतरंग परिणाम एक जैसे जुड़े हुए हैं। इसका प्रमाण पंडित जी यहाँ से चले गए, पुजारी जी यहाँ से चले गए, संगीतकार जी यहाँ से चले गए, लेकिन भगवान की भक्ति आपकी कम नहीं। इसलिए सोच रहा था कि आज आरती कैसी होगी, संगीतकार तो है नहीं, पंडित जी जो आगे पीछे कुछ क्रिया बताने वाले होते वो कैसे बताएंगे। तो मैंने अभी आपके प्रधान जी से कहा, प्रधान जी ने कहा कि पंडित जी भी गए, संगीतकार भी गए और स्पीकर वाले भी गए, तो महाराज जी सब चले गए, लेकिन सबके बाप आपके बैठे हो, आप चलिए। तो सैन अगर वो तीनों नहीं गए होते तो सैन में अभी समय यहां नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य उनकी सबकी पूर्ति एक अकेले मेरी पर छोड़ दी किसने, और ऐसी बात बोल दी आपके प्रधान जी ने, तुमने चुपचाप द्वारा कुछ भी नहीं बोला और आपके आने से पहले मैं यहाँ ये आप सभी का तीव्र तीव्र पुण्य का उदय आज भगवान महा
पाशा प्रभु एवं उनकी सभी जी देवी देव प्रायमान वे प्रथम 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 सर्वप्रथम आरती समुदाय के साथ सामुद्र के रूप में और भक्ति भाव से लेकर के प्रतिष्ठित व्यक्ति की जर्सी पूरी समाज सौभाग्य बनते यहाँ लेकर आई और ऐसी महान भक्ति उनको ये प्रथम अवसर मिला। इसे तो कल का ये दिन गई था लेकिन मैंने एक साथ दो बोली कर दी, इनका भी 45,000 उनका ही 45,000। तो ऐसी बोली प्राप्त करने वाले कहा जाता है राजनीति बात भी थी लेकिन नहीं, कल की बात कर रही और आज की बात में कल की भी आज मौजूद हुए भक्ति आरती को लेकर उनके मेरे को बढ़िया से शादी में पहले दूल्हा बने बने उससे भी हंसते हुए उससे भी अधिक खुश होते हुए आज भगवान की आरती करने के लिए तैयार है। मेरा आप सभी भक्त आत्माओं को मंगल आशीर्वाद है। इन 5 दिनों में मैंने पहले बोल दिया था कि मैं बहुत तेज हूँ और गुस्से हूँ, कई मैंने अपने गुस्से के माध्यम से किसी को डांट दिया हो, गुस्सा कर दिया हो, किसी को कुछ बोला बोल दिया हो, मेरी आदत तो खराब है। इनको भी छेड़ देता हूँ, इनको भी छेड़ देता हूँ, इनको भी छेड़ देता हूँ, ये बच्चों की गाल भी खींच देता हूँ, लेकिन फिर भी सब मेरे साथ फिर भी जुड़े हुए हो मेरे काम दिया हो। पहले समय नहीं था महाराज चाहते रहे छोटे बैठे को आरती करती हूँ, लेकिन जब समय नहीं आया कि महाराज जी कुछ बोलेंगे इसलिए बैठ गया तो सब बैठ गए और श्रद्धा पूर्वक सब सुन रहे हैं। तो मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को पुनः पुनः आशीर्वाद है और ये विशेष रूप से कह रहा हूँ कि मेरे व्यवहार से अगर किसी को मेरी सेवा लाभ देगी हो, उनकी व्यवहार से किसी को कोई आघात हुआ हो, कोई चोट लगी हो, कोई दिल में दर्द हुआ हो, तो उस खोट को उस दर्द को मेरे लिए वापस दे दीजिएगा, अपने पास मत रखिएगा। क्यों कि खोट कभी भी कहीं भी नहीं जाए, खोट कहीं भी कभी भी नहीं जाए, माने कहीं घुन लग रहा है और उस घुन को तत्काल ना निकाला जाए तो और सारी फसल को घुन लग जाएगा। पानी की दरिया के लगी पान खराब हो गया है तो उस पान को अलग अलग नहीं किया जाए तो सारे पानों को खराब कर देगा। एक ट्रक में तो ही केला एक खराब होने लगा है, उस केले को अलग नहीं करोगे तो सारे केले खराब हो जाएंगे। इसलिए जो खोट आपके पास आई हो उस खोट को अपने पास मत रखना, मेरा मेरे को दे देना। राधा दीदी से अगर किसी को खोट हुई हो वही मेरे को ही दे देना, मैं ऐसी जगह गाड़ दूंगा, ऐसी जगह उसे समझ कर दूंगा जब न मेरे को तकलीफ देगा और न ही आपको तकलीफ दे सकी, क्योंकि दिल की चोट बड़ी बुरी होती है। तीर का तलवार का भाव जाता है भरा, बचे जब जमाने का रहता है हमेशा हरा। मैं मीठा बोलना तो जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, मीठे बोलूँ कहाँ से, ऊपर से डायबिटीज और हो गई तो फिर मीठे बोलने की बात ही नहीं। डॉक्टर लोग बोलते हैं, वे बोलते हैं कि महाराज जी आप कड़वी चीज खाओ, तो जब कड़वी चीज खाएंगे कड़वाई बोलूंगा, इसलिए उस कड़वे बने में किसी को बुरा लगा हो तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिए मेरी ओर से।
मैं आप सभी को मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ और कल सुबह प्रातः काल, लेकिन किंतु परंतु न सोचिएगा कल सुबह प्रातः काल में मेरा आपका मुलाकात, क्योंकि आप थके भी हैं, सोते रहेंगी, नित्रानी आपको प्यार से सुलाते रखेगी, तो मेरी मुलाकात सुबह हमारी आपकी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी भी ये है कि मेरे को जीवन तक और जीवन से वापिस नोएडा तक भेजने की जिम्मेदारी आप सभी बिलासपुर वालों की है, इसलिए सभी लोग सावधान रहेंगे और कल सभी प्रातःकाल मेरे को जीवन और जीवन में पहुँच के आहार करूँगा, आहार करके वहाँ और भी जो काम वो रहेंगे, फिर परसों भी कुछ विशेष काम है और उसके उपरांत 21 तारीख को सुबह प्रातःकाल जिस यहाँ से निकलूँगा, इसलिए वहाँ से भी निकल के यहाँ आपके धनपुर के बाईपास के पास एक गैरेज है, वहाँ पर आहार होगा और उसके उपरांत 93 सेक्टर में नाइट फाइट और 22 तारीख को पहुँचकर 2017 सेक्टर में आहार। इस काशी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सभी को सहभागी बनना है और जिस प्रकार मुझे भी आपने बुलाया तो मैं आया हूँ। अब मैं आपके लिए निमंत्रण दे रहा हूँ, आमंत्रण दे रहा हूँ नोएडा दिगंबर जैन समाज के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए। प्रधान जी ने आकर हमारे स्कूल के अंदर निमंत्रण पूरे समाज को दिया और बाहर से आई समाज को भी निमंत्रण दिया। मैं उसी निमंत्रण को आपके लिए पुनः दे रहा हूँ कि मेरी सानिध्य में ही 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में आप सभी अवश्य साथी से पुण्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध रहे, तैयार रहे और आप अवश्य पहुंचकर प्रार्थना करें। मेरा आप सभी मतदाताओं के लिए मंगल आशीर्वाद की आपके जीवन में धन दान समृद्धि यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हो और सभी कार्य के आपके जीवन के दुख दारिद्र संकट आपदा विपदा आदि को आपके जीवन से दूर हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मेरा मंगल आशीर्वाद। और राधा देवी आएंगे, राधा देवी अभी आपकी आरती करवाएंगे, इसलिए हमारे भक्तगण अच्छी आरती बोलने वाले हैं, हाँ बहुत अच्छी भावना से बोलते हैं, तो यहाँ आरती राधा दीदी करेंगी। आइए राधा दीदी एक मंगल भजन भी इनको सुना दीजिए, कुछ केवल बात ये हमारे हाथ के मुख्य प्रिय भी हैं, 5 उंगलियाँ हैं मेरे नौ ही आए मैं वहाँ पहुंची तो नहीं छोटा मैंने लगा हुआ बच्चा ही तो ये 5 उंगलियों का महत्व हमने पिछले दिनों में आपको बताया था। मारा मतलब हुआ था नहीं, 5 उंगलियों का नाम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनाम इसलिए
इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। तू दुनिया रे किसे जान दे रे, इस मेरा ले करा कभी तो बाब तेरी, इसलिए इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। तीजी यार कुशल करेंगा, क्या मैं मरने दुख दूर करेंगा, इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे गुंगुरूं, बाजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चुरा दिया रे तुझे मजाया, परेशान देवता तो पाप पलाया, इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पाप में आरती साधु तिवारी, मद विनाशन शिव अधिकारी, इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छठी ग्यारे बत्ती मादारी, शाम के बांधो आनंद दारी, इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। साथ में आरती सूरज निवारी, क्या के सुरग मुझ सुखदानी, इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। आठ में आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मुखगामी, इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। नौमी आरती गर्दवान की, पावापुर निर्वाण धाम की, इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जो ये आरती करे पावे, सोनर नारे हर पद गावे, हमारे पद पावे दोष पद पावे, इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बजे गुंगुरूं, बजे गुंगुरूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। सोन का दीप कपूर की दाती, कब मधु ज्योत जले सारी राती, इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम छम
ਸਾਜੇ ਬੁਮਰੋ ਸਾਜੇ ਬੁਮਰੋ ਆਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤ ਕੇ ਆਸੀ ਕਰ ਕਰਤੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਧੀ ਗੁਰਵੰਦ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਆਜ ਤਾਰੀ ਆਤੀ ਪੰਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮੇ ਜਨਮ ਲਿਓ ਹੈ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੁੱਟਦਾ